अस्सलाम वालेकुम, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो मेरा टॉपिक है वो हर्निया है, और ये मेरा टॉपिक जो था DTF के लिए था, और DTF में मैंने इस पर लेक्चर किया, तो मैंने एक लेक्चर आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड कर लिया। भाई नहीं, वैसा ही लेक्चर जैसा मैंने DTF में दिया वही मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिया, कि वो लोग जो DTF सेशन अटेंड नहीं कर सके, ये किसी भी तरह नहीं आ सकते थे जैसे दूसरे शहरों के लोग हैं, तो उनके लिए बेसिकली मैंने ये लेक्चर तैयार किया है। हर्निया के मायने निकलने के होते हैं, बाहर निकलना, प्रोट्रूड करना, और मेडिकली जो है हम इसको इस तरह बयान करते हैं कि हमारे जो ऑर्गन्स जिन कैविटी में पाए जाते हैं या जिन झिल्लियों में लिपटे हुए होते हैं, अगर वो किसी वजह से उन झिल्लियों से बाहर आ जाएं या अपना क्या कहते हैं उस कैविटी से बाहर निकल आए, तो उसको हर्निया कहते हैं। ज़्यादातर जो हर्निया है ये हमारे चेस्ट और हमारे हिप्स के दरमियानी जो हिस्सा है हमारी बॉडी का, यानी बेसिकली ये एब्डोमन में पाया जाता है, तो वो हिस्सा जो हमारे चेस्ट और हमारे हिप्स के दरमियान आता है वहाँ पर आमतौर पर ये हर्नियास पाए जाते हैं। इसके अलावा ये ग्रोइन यानी चड्डों में भी पाए जाते हैं, और अपर थाई यानी जहाँ ग्रोइन के साथ हमारा टांग का हिस्सा शुरू होता है वहाँ पर भी ये हर्निया जो हैं पाए जाते हैं। ये हर्नियास जो हैं ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं हैं। इनमें से सिर्फ एक इसकी टाइप जो है स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया, उलझा हुआ हर्निया या गुच्छा बना हुआ हर्निया, ये जो है लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है अगर इसको प्रॉपर ट्रीट ना किया जाए। अदरवाइज़ हर्निया का जो मर्ज है वो किसी भी सूरत लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं लेकिन ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाए और जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो जाए। हर्निया के जो बेसिक कॉजेज हैं वो ये है कि हमारे ग्रोइन एरिया में या हमारे एब्डोमिनल एरिया में अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या स्ट्रेन आता है, तो उस सूरत में हमारी जो एब्डोमिनल वॉल है वो या तो कमज़ोर हो जाती है या वहाँ पे आप कह लीजिए कि कोई वीक होने की वजह से कोई ना कोई हिस्सा जो है वो फट जाता है, टीयर आ जाता है वहाँ पे। अब ये टीयर जो है ये किसी इंसिजन का भी हो सकता है, जैसे कि सी सेक्शन हुए और उस दौरान कोई कट लग गया, या पेट के हवाले से अगर कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ जिसकी वजह से जो वहाँ पे कट लग गया, तो उसकी वजह से भी ये हर्निया का मर्ज जो है हमारे सामने आता है और एब्डोमिनल वॉल जो है वो कमज़ोर हो जाती है। फिर ये कंजेनिटल भी होता है, बच्चा जब माँ के पेट में पल रहा होता है तो वहाँ पर अगर उसकी एब्डोमिनल वॉल जो है वो सही तौर पर डेवलप ना हो, तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो एब्डोमिनल वॉल की कमज़ोरी की वजह से हर्निया का शिकार हो जाता है। एज भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि जैसे जैसे हमारी उम्र ज़्यादा होना शुरू हो जाती है हमारे ऑर्गन जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, हमारे मसल्स अपनी टोन खोना शुरू हो जाते हैं, तो एज भी एक फैक्टर है हर्निया के मर्ज को पैदा करने में। और मेन फैक्टर इसका जो है वो यही है कि हमारी एब्डोमिनल जो वॉल है उसके जो मसल हैं वो वीक हो जाते हैं जिसकी वजह से हर्निया का मर्ज सामने आता है। ऐसी ख़वातीन जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं यानी रिपीटेड प्रेगनेंसीज हैं, बार बार बच्चे पैदा होते हैं, उनमें भी ये मर्ज पाया जाता है। फिर अगर एब्डोमिनल फैट बहुत ज़्यादा है कि आपके पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा फैट पाई जा रही है, बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, ओबेसिटी का शिकार हैं, तो उस सूरत में भी ये मर्ज सामने आ जाता है। ऐसे अफराद जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है या जिनको क्रॉनिक कफ है, पुरानी खांसी और पुरानी कब्ज वाले लोग जो हैं इस मर्ज़ में मुबतला होते हैं। फिर वो लोग जो अपनी इस्तदाद से कहीं ज़्यादा वज़न उठा लेते हैं वो लोग भी इस मर्ज़ का शिकार होते हैं कि उन्होंने वज़न उठा लिया अपनी कुव्वत से ज़्यादा, अपने कद अपने वज़न से ज़्यादा, नतीजे के तौर पर कहीं ना कहीं अगर अंदर कहीं वॉल की कोई कमज़ोरी पाई जा रही थी तो वो जो मस्कुलर वॉल है एब्डोमिन की वो फट जाएगी और नतीजे के तौर पर जो हर्निया है वो सामने आ जाएगा। इवन अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उस सूरत में भी, यानी जब आपका वज़न ज़्यादा है और आप उछल कूद वाली एक्सरसाइज करते हैं तो आपके लोअर एब्डोमिनल जो वॉल है उसको नुकसान पहुंच सकता है। हर्निया की टाइप्स बताने से पहले मैं आपको कॉज बताए हैं, तो मैं साथ में आपको सिम्टम्स पहले बता दूं कि हर्निया के सिम्टम्स जो हमारे सामने आते हैं उसमें ये कि
जो मुतासरा हमारा हिस्सा है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। जैसे अगर ग्रॉइन में हर्निया पाया जा रहा है या थाइस के करीब पाया जा रहा है या एम्ब्लाइकल रीजन में पाया जा रहा है, तो वो हिस्सा जो है स्वेल कर जाएगा और वहाँ पे हमारे इंटेस्टाइन एक बल्ज की सूरत में हमारे सामने आते हैं। पेन पाई जाती है और बाद का शूटिंग पेन्स पाई जाती हैं, डल पेन्स भी पाई जाती हैं, एक बेचैनी किसी कैफियत रहती है। स्वेरिटी अगर हो तो फिर नोजिया भी पाया जाता है, वॉमिटिंग भी पाई जाती है, कॉन्स्टिपेशन पाई जाती है, निगलने में दुश्वारी पाई जाती है, कॉलिक पाया जाता है, एब्डोमिनल कॉलिक जिसको हम कहते हैं, कुलंज का दर्द जो है वो पाया जाता है, और हार्टबर्न यानी कि सीने में जलन पाई जाती है, बदहजमी पाई जाती है, और जो एसिड रिफ्लेक्स होते हैं वो हमारे सामने आते हैं, यानी मुंह में खट्टा पानी भर कर आता है या एसिड जो है वो मुंह में आता है। तो ये सारे वो सिम्टम्स हैं जो हर्निया के मर्ज की सूरत में हमारे सामने आते हैं। अब हर्निया की बहुत सारी टाइप्स हैं, नॉर्मली इसकी तीन टाइप्स हैं जो हमारे सामने आती हैं, लेकिन फिर उसके बाद छोटी छोटी और भी टाइप्स हैं। लेकिन आप एक बात जहन में रखिए कि ज़्यादातर ये मसला जो है हमारे पेट के हिस्से में ही पाया जाता है। अब चाहे वो इनग्वाइनल हर्निया है, चाहे वो फिमोरल हर्निया है, चाहे वो हाइटल हर्निया है, या वो अम्ब्लाइकल हर्निया है, जो भी हर्निया है ये आम तौर पर हमारे पेट के इर्द गिर्द ही पाया जाता है, कि कोई पेट के आपके लिए साइड की तरफ होगा, कोई लोअर एब्डोमिनल वॉल की तरफ होगा, पेट की झिल्ली फटती है, पेट की मस्कुलर वॉल जो है वो फटती है और अंदर से हमारे इंटेस्टाइन का कोई ना कोई हिस्सा जो है हमारे सामने आ जाता है। अब इसकी जो टाइप्स हैं उनमें सबसे जो कॉमन टाइप है और ऑलमोस्ट 75-85% लोग इसी हर्निया में मुबतला होते हैं, वो है इनग्वाइनल हर्निया। मर्दों में ये टाइप बहुत आम है। उसकी बेसिक वजह ये है कि जब बच्चा माँ के पेट में पलता है, मैं बेबी बॉय की बात कर रही हूँ, तो उसके जो टेस्टिकल्स हैं उसके एब्डोमेन में होते हैं, वो उसके स्क्रूटम में नहीं जाते हैं। पैदाइश से फौरन बाद जो है टेस्टिकल जो है एब्डोमेन से स्क्रूटम में आ जाते हैं, और जिस कैनाल के ज़रिए आते हैं वो इनग्वाइनल कैनाल कहलाती है। और नॉर्मली तो ये होता है कि जैसे ही टेस्टिकल नीचे आते हैं रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है, लेकिन अगर किसी वजह से वो रास्ता थोड़ा सा खुला रह जाए या वहाँ पे कोई वीक स्पॉट रह जाए, तो बाद में ये इनग्वाइनल हर्निया की सूरत में सामने आता है कि हमारी इंटेस्टाइन का कोई ना कोई हिस्सा प्रोट्रूड करता है और हर्निया का मर्ज हमारे सामने आता है। दूसरी जो हर्निया की किस्म है वो हायाटल हर्निया है। ये अनकॉमन टाइप है और आमतौर पर ये 50 साल से ऊपर पाई जाती है। इसमें ये होता है कि नॉर्मली तो हर्निया जो है हमारी एब्डोमिनल वॉल को साइड से, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से या नीचे की तरफ से इसमें इन्वॉल्व होती है और वीक होती है और फटती है। यहाँ पर ये होता है कि हमारी डायाफ्राम जो हमारे चेस्ट कैविटी के ऑर्गन को हमारे एब्डोमिनल विदरा से अलग करती है, वहाँ पे एब्डोमिनल विदरा जो हैं चेस्ट की तरफ यानी ऊपर की तरफ डायाफ्राम की तरफ फाड़ते हुए वो झिल्ली फटती है और वो ऊपर चेस्ट कैविटी में चले जाते हैं। तीसरा जो हर्निया है वो अम्ब्लाइकल हर्निया है। ये ज़्यादातर बच्चों में और नौजायदा बच्चों में पाया जाता है, बड़े लोग भी इसमें मुबतला हो सकते हैं, ख़ासतौर पर वो लोग जो बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार होते हैं या जिनके पेट में पानी भरा होता है या प्रेगनेंसी की सूरत में ये मर्ज सामने आता है। इसमें ये होता है कि हमारी जो इंटेस्टाइन है वो एक तरह से बल्ज बनाती है और हमारे बेली बटन के इर्द गिर्द जो है वो हमें महसूस होना शुरू हो जाती है। आपने नौजायदा बच्चों में और शीरखार बच्चों में ये चीज़ देखी होगी, आमतौर पर छिले में ही पता चल जाता है कि बच्चा जब बहुत ज़्यादा रोता है तो उसका जो बेली बटन है वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है, और जब वो रोता है तो ज़्यादा फूलना शुरू हो जाता है। याद रखिए कि नॉर्मली ये मर्ज जो है बच्चों के हवाले से मैं बता रही हूँ, नौजायदा बच्चों के हवाले से, शीरखार बच्चों के हवाले से, कि ये मर्ज जो है ऑटोमेटिकली रिवर्स कर जाता है। जैसे ही एब्डोमिनल वॉल जो है हमारी वो ताकत पकड़ती है, कुवत में आती है, तो ये मर्ज दूर हो जाता है। लेकिन अगर 5 साल की उम्र तक भी ये मर्ज रिवर्स ना करे तो फिर एलोपैथी में जो है वो सर्जरी जो है वो रिकमेंड की जाती है। जिससे मैंने कहा कि इस हर्निया में मर्द, औरत, बच्चे सभी इन्वॉल्व हो सकते हैं। चौथी जो किस्म है हर्निया की वो फेमोरल है। ये आमतौर पर खवातीन में पाया जाता है।
जिस तरह इनग्वाइनल हर्निया मर्दों में पाया जाता है, इस तरह जो फेमोरल हर्निया है ये औरतों में बहुत कॉमन है। इसकी बेसिक वजह यह है कि औरतों का जो पेल्विक एरिया है वो मर्दों की निस्बत ज़्यादा चौड़ा होता है, और आमतौर पर बड़ी उम्र की ख़वातीन जो हैं वो इस मर्ज में मुबतला होती हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि ये बहुत ही अनकॉमन किस्म का है, ये ज़्यादातर पाया नहीं जाता। इसमें हमारी इंटेस्टाइन का लूप जो है वो एब्डोमिनल वॉल जहाँ से वीक होती है वहाँ से बाहर निकल आता है, और ये लोअर एब्डोमिन में पाया जाता है और बिल्कुल थाई के करीब या अपर थाई या ग्रॉइन में ये जो हर्निया है वो पाया जाता है। फिर हर्निया की एक किस्म जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया है। इसमें ये यूँ होता है कि हमारी इंटेस्टाइन का जो ल्यूमन है वो बिल्कुल बंद हो जाता है, और वो हमारी जो आंत है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट का बायस बनता है। उस सूरत में ये हर्निया हमारे सामने आता है। इसकी एक बेसिक वजह जो है वो हमारे कॉन्स्टिपेशन है, उसकी वजह से भी ये हर्निया हमारे सामने आता है। जो हर्निया प्रॉब्लम पैदा करता है या कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है वो है स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, उलझा हुआ हर्निया, गुच्छे की सूरत में पाया जाने वाला हर्निया, ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। इसकी इसमें होता यूँ है कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका एक हिस्सा जो है वो एब्डोमिनल जो हमारी वॉल है जहाँ से वीक होती है, कहीं से भी वीक हो, ये नहीं कहा जा सकता कि किधर से वीक है, कहीं से भी अगर वीक है तो वहाँ से ये बाहर आ जाता है। और इसके साथ ही इसके इर्द गिर्द जो मसल्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे नीचे गिर जाते हैं, यानी एक गुच्छे की सूरत बना देते हैं, और वहाँ पर ब्लड सप्लाई जो है वो ख़त्म हो जाती है, कट जाती है ब्लड सप्लाई, लिहाजा स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती है। नतीजे के तौर पर फिर ये जो प्रॉब्लम हमारे सामने आती हैं, जो कॉम्प्लिकेशन पैदा करती हैं या इस वजह से ब्लड सप्लाई के कटने की वजह से, इसको लाइफ थ्रेटनिंग हर्निया कहा जाता है। फिर हर्निया की एक किस्म वेंट्रल हर्निया है, फिर एक जो है इंसीजनल हर्निया है, यानी जहाँ आपका ऑपरेशन हुआ वहाँ पे स्कार बना और वहाँ पे कोई कमज़ोरी रह गई तो वहाँ से हर्निया हो सकता है। फिर एपिगैस्ट्रिक हर्निया भी हो सकता है, नेवल के ऊपर ये पाया जाता है। ये आगे इसकी फिर आपके लिए जेली एक तरह से हर्निया की आपके लिए जो एब्डोमिनल एम्बलाइकल हर्निया है उसकी ब्रांचेज आप कह लीजिए। लेकिन मेन जो हर्निया जो हमारे पास हमारे सामने आता है वो इनग्वाइनल हर्निया है, एम्बलाइकल हर्निया है, फेमोरल है और हायाटल है। हालांकि हायाटल भी जो है ये भी इतना कॉमन नहीं है के डायफ्राम बढ़े और ऊपर की तरफ जाए, लेकिन ये जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आती है ना जिस हर्निये में, यानी आपको हार्ट बर्न आएगा, डिस्पेप्सिया आएगा या डाइजेशन की प्रॉब्लम्स आएंगी, एसिड रिफ्लेक्स आएंगे, ये जो हैं ये इसी हर्निया की वजह से आते हैं। क्योंकि जब ऊपर की तरफ चेस्ट कैविटी की तरफ जाएगी तो वहाँ आपकी ओसोफेगस पाई जा रही है, और वहाँ पे फिर आपको स्टमक के हवाले से जो है इमराज जो है वो सामने आएंगे। हमारे पास होम्योपैथी में हर्निया के हवाले से बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, और मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ कि अगर आपको कोई भी मेडिसिन मिले जिसके करैक्टरिस्टिक सिम्टम आपके पेशेंट के साथ मिल रहे होते हैं, जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम को मैच कर रही होती है, तो आप कोई भी ए बी सी डी मेडिसिन इस्तेमाल करवा सकते हैं। एनी हाउ मैं आपको कुछ मेन मेडिसिन जो हर्निया के हवाले से हैं मैं आपको बताती हूँ। मेडिसिन बताने से पहले कि मैं चंद एक छोटी सी आपको एहतियाती तदाबीर बता दूँ जो हर्निया के पेशेंट को आपने बतानी है। उसमें सबसे पहले तो आपने उनको कहना है कि अपनी गज़ा को जो है वो मेंटेन करें। अगर उनकी गज़ा में ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो कि कब्ज पैदा करती हैं या खांसी पैदा करने का बायस बनती हैं तो आपने उनको वो चीज़ें बंद करनी है। कब्ज नहीं उन्हें होने देनी, खांसी नहीं होने देनी, और इसके अलावा कोई वेट नहीं उन्होंने उठाना, हैवी काम नहीं करना, बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना भी उनके लिए तकलीफ़ का बायस बन सकता है। जब कभी भी उन्हें पेन का एहसास हो या उन्हें लगे कि उनका ऑर्गन ज़्यादा ही बाहर आ गया, फ़ौरन उन्हें लेट जाने की हदायत कीजिए। कैसी सूरत में वो लेट जाए ताकि ऑर्गन जो है नॉर्मलाइज हो जाए, अपनी जगह के ऊपर चला जाए। बाद उकात पुश करने से भी ये जो हमारा ऑर्गन बाहर आया होता है ये अंदर चला जाता है। होम्योपैथी मेडिसिन के हवाले से अब मैं आपको बता दूं कि हमारे पास होम्योपैथी में हर्निया की बेहतरीन अद्वियात है। मैं सबसे पहले आपको तीन मेडिसिन बताती हूँ जो ऑलमोस्ट इंग्वाइनल हर्निया, एम्बलाइकस हर्निया
और फेमोरल हर्निया में इस्तेमाल होती है। अब ये वो तीन मेडिसिन है जो हर किस्म के हर्निया को कवर कर लेती हैं। मां सिवाय चंद एक और भी मेडिसिन है जो बीच में हम शामिल करते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि करेक्टरिस्टिक सिम्टम की बुनियाद पर हम कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप अगर समझते हैं कि जो मेडिसिन मैं बताने जा रही हूँ ये आपके पेशेंट को सूट नहीं करती हैं, तो आप अपनी जो अपने पेशेंट से हिस्ट्री ली है उसके मुताबिक आप पेशेंट की मेडिसिन सेलेक्ट कर लीजिए। तो टॉप ग्रेड जो हमारी मेडिसिन जो हर्निया में इस्तेमाल होती हैं वो तीन हैं, नक्स वोमिका, कैल्केरिया कार, लाइकोपोडियम। अब नक्स वोमिका आप देख लीजिए, इसमें फेमोरल हर्निया भी पाया जाता है, इनग्वाइनल भी पाया जाता है, एम्ब्लाइकल भी पाया जाता है, इसी तरह कैल्केरिया कार में भी पाया जाता है, लाइकोपोडियम में भी पाया जाता है। अब नक्स वोमिका का पेशेंट, अगर आप नक्स को जानते हैं तो आपको पता है कि नक्स का पेशेंट जो है वो तैश पसंद होता है, अयाश पसंद भी अयाश होता है, मुर्गन गदाओं का इस्तेमाल करता है, मेंटल एक्टिविटी करता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, रात को देर तक जागता है, कब्ज़ का शिकार रहता है, चिड़चिड़ा होता है बहुत ज़्यादा। लिहाजा अगर आपको इस तरह के पेशेंट मिलते हैं, आपको नक्स की ड्रग पिक्चर मिलती है, तो आप नक्स वोमिका को इस्तेमाल कीजिए। फिर कैल्केरिया कार हमारी बहुत बड़ी मेडिसिन है, नक्स वोमिका की तरह पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, और कैल्केरिया कार जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, एक मिजाजी दवा है। कैल्केरिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो चीख चीख कर खुद ही पुकारता है कि मैं कैल्केरिया का पेशेंट हूँ, मुझे इस्तेमाल कीजिए और मुझसे फ़ायदा लीजिए। इसके पेशेंट जो होते हैं वो पिलपिले होते हैं, फ्लैबी होते हैं, मोटे ताज़े होते हैं, इनको इनके पेट में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं फैट होती है, फिर इनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, खाते हुए भी इनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, और ये लोग जो हैं सर्दी से बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। आपको अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है जो कैल्केरिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आप हर्निया की किसी भी फॉर्म में, किसी भी टाइप में आप कैल्केरिया को इस्तेमाल करवा सकते हैं। कैल्केरिया कार के पेशेंट सर्दी से, मैंने आपको बताया, बहुत सेंसिटिव होते हैं। यहाँ पर मैं आपको छोटा सा अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं सेकंड ईयर में थी और हमने जब कैल्केरिया कार पढ़ी तो हमारे सर ने हमें कैल्केरिया के सर्दी के हवाले से, कि सर्दी से बहुत ज़्यादा हसास होता है, कोई 7-8 सिम्टम लिखवाए। अब यकीन जानिए मेरे पास अपनी सेकंड ईयर की वो किताब अभी तक, कॉपी अभी तक मौजूद है जिसमें मैंने कैल्केरिया कार्ड को लिखा हुआ है। मेरे इंतहाई करीबी अजीज़ जो हैं वो सर्दी से बहुत ज़्यादा हसास थे। नॉर्मली तो हमको सबको सर्दी लगती है, लेकिन जैसे ही अक्टूबर आता, नवंबर आता, टोपी, दस्ताने, जैकेटें, मफलर और मोज़े, गर्म पजामे, पता नहीं क्या क्या वो अपने ऊपर चढ़ा लेते थे। कैल्केरिया कार्ब जब हमारे सर ने हमें बताई, तो उस वक्त मैंने एक दफ़ा पहले भी शायद जिक्र किया था कि हम लोग, स्पेशली मैं अपने टीचर्स के ऊपर बहुत बिलीव करती थी कि अगर वो किसी मेडिसिन के हवाले से बता रहे हैं तो यकीनन सही बता रहे हैं। अब यकीन जानिए कि मैंने, मेरा ख्याल है कैल्केरिया कार्ब 30 में 8 से 10 दिन उनको इस्तेमाल करवाई थी, और आज इस बात को 20 से 21 साल गुजर गए हैं, अब उनको सर्दी तो लगती है, लेकिन बिल्कुल जिस तरह नॉर्मल लोगों को लगती है कि सर्दी का मौसम आता है तो सर्दी लगती है, बहुत ज़्यादा ठंड आती है तो टोपी और मफलर और दस्तानों का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जो अक्टूबर नवंबर में दस्तानों का और टोपियों का इस्तेमाल था वो उनका ख़त्म हो गया। तो याद रखिए कैल्केरिया एक ऐसी मिजाजी दवा है, कैल्केरिया का कॉन्स्टिट्यूशन, कैल्केरिया के कुछ करेक्टरिस्टिक ऐसे हैं कि अगर आप उनकी बुनियाद पर इस दवा का इंतखाब करें तो आप लाजमी तौर पर कामयाब होंगे, माँ सिवाय इसके कि अल्लाह पाक शिफा को आपसे रोक दे। तो बात हर्निया की हो रही थी, लेकिन मैंने ये सेंसिटिव टू कोल्ड के हवाले से आपको अपना ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस तो नहीं कहना चाहिए, तो हमारा कॉलेज लाइफ जो था, थी हमारी, उस टाइम का एक्सपीरियंस है, एज ए स्टूडेंट जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आपसे बयान किया। तीसरी हमारी पॉलीक्रेस्ट रेमेडी, जिसमें फिमोरल हर्निया भी पाया जाता है, इनग्वाइनल हर्निया भी पाया जाता है, एम्ब्लाइकल हर्निया भी पाया जाता है, फ्रेटुलेक्स हर्निया भी पाया जाता है, वो लाइकोपोडियम है। ख़ासतौर पर अगर राइट साइड का हर्निया पाया जा रहा है तो लाइकोपोडियम हमारी वो मेडिसिन है जो हर्निया के ऊपर काबू पाती है। याद रखिए लाइकोपोडियम के हवाले से मैंने पहले भी शायद ये बात कही थी, मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, किसी भी मर्ज के साथ अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स पाई जा रही हैं, अगर पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, तो दवाई जो है वो हमारी लाइकोपोडियम है। अब देखिए नक्स वोमिका, कैल्केरिया का, लाइकोपोडियम, ये तीनों जो हैं
पॉलीक्रेस्ट रेमेडी हैं, फिर इनकी अपनी पेशेंट की एक साख्त है, इनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इनकी अपनी एक अपना एक मिजाज है, अपनी एक ड्रग पिक्चर है, आप नक्स के, कलकेरिया के और लाइकोपोडियम के पेशेंट्स को बड़ी आसानी के साथ पहचान सकते हैं। तो ये तीनों मेडिसिन जो है हर तरह के हर्निया को कवर करती हैं। अगर आपके पास ये पेशेंट आते हैं तो आप इन तीन मेडिसिन को भी लाजमी कंसिडर कीजिए। मैं ये नहीं कहती इन तीनों को ही कंसिडर कीजिए, क्योंकि मैं आपको आगे भी मेडिसिन बताने जा रही हूँ जो अपने करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आपने नक्स, कैल्केरिया कार्ड और लाइकोपोडियम को नहीं भूलना है। फिर थुजा हमारी मेडिसिन है जो कंजेनिटल हर्निया में इस्तेमाल होती है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि माँ के पेट में ही जो बच्चे की एब्डोमिनल वॉल है वो सही तौर पर डेवलप नहीं होती, वहाँ पे हम थुजा को इस्तेमाल करवाते हैं। रुस्टोक्स ऐसे हर्निया में इस्तेमाल होती है जहाँ पर जो पेशेंट है उसने अपनी कुवत से ज़्यादा, अपनी इस्तदाद से ज़्यादा वज़न उठा लिया, ओवरलिफ्टिंग हो गई, जिसकी वजह से मसल जो है वो टियर कर गए और झिल्ली फट गई, तो उस सूरत में ये रुस्टोक्स को इस्तेमाल किया जाता है। सिलीशिया को इस्तेमाल किया जाता है, और सिलीशिया के हवाले से मैं आपको बता दूं कि सिलीशिया और कैल्केरिया कार्ब आपस में बहुत मिलते जुलते हैं, दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन, मिजाज भी एक जैसा है, दोनों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, लेकिन सिलीशिया में जो है बहुत ज़्यादा बदबूदार पसीना पाँव में पाया जाता है, और सर्दी से हसासियत जो है वो कैल्केरिया से कहीं ज़्यादा पाई जाती है। यानी सिलीशिया के पेशेंट के हवाले से कहा जाता है कि वांट्स टू हग द फायर, आग को गले लगा लेना चाहता है, इतनी इसको सर्दी लगती है कि चाहता है आग ही को गले लगा ले। तो जहां आपको सिलीशिया के वाले से सिम्टम्स मिले, पैरों में बदबूदार पसीना मिले, वहां आप सिलीशिया का इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए कि मैंने आपसे कहा कि इसमें जो चीज़ पाई जाती है, एक बहुत ज़्यादा जो एक रोल प्ले होता है वो कॉन्स्टिपेशन का है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए आपके पास प्लम्बम है, एलुमिना है, ओपियम है, ब्राइनिया है, एंटम क्रूडम है, आप किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर क्रॉनिक कफ पाई जा रही है तो आप खांसी को दूर कीजिए, उसके कॉज को दूर कीजिए और हर्निया के पेशेंट को निजात दिलाइए मर्द से। आप चाहे ब्राइनिया को इस्तेमाल कर लीजिए, आप ड्रोसरा को इस्तेमाल कर लीजिए, आप कालीबाई को इस्तेमाल कर लीजिए, कालीकार को इस्तेमाल कर लीजिए, एंटमटार को इस्तेमाल कर लीजिए, खांसी की बेस के ऊपर, कि जब खांसी ठीक होगी तो हर्निया भी बेहतर हो जाता है, क्योंकि जब पेशेंट खांसी करता है तो उसका जो ऑर्गन है वो बाहर की तरफ निकलता है। छोटे बच्चों में अगर हर्निया पाया जा रहा है जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हैं, रोते हैं बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और चाहते हैं कि हर वक्त उनको उठा के रखा जाए, तो आप कैमोमिला को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ऑरम मेट को इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है, सो ऑन। हमेशा की तरह मैं कहती हूँ कि आपका पेशेंट आपके सामने होता है, इवन बेलाडोना को इस्तेमाल किया जाता है। बेलाडोना पे जब मैंने लेक्चर किया था तो मैंने आपको कहा था कि जहाँ कहीं इन्फ्लेमेशन पाई जाती है वहाँ बेलाडोना पाया जाता है। तो स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया में जहाँ पे गुच्छा बन गया, वहाँ पे स्वेलिंग हो गई, इन्फ्लेमेशन पाई जा रही है, वहाँ पर आप बेलाडोना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करैक्टरिस्टिक सिम्टम की बुनियाद पर आप किसी भी मेडिसिन को किसी भी मर्ज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो थी वो चंद एक मेडिसिन जिनका मैंने जिक्र किया, नक्स वोमिका, कैल्केरिया कार्ब, लाइकोपोडियम, रुस्टोक्स, सिलीशिया, थुजा, प्लम्बम, कैमोमिला, ओपियम, एलुमिना, ब्राइनिया, नाइट्रिक एसिड, ऑरम मेटेलिकम, और एक और दो मेडिसिन है जिनका मैं जिक्र करना भूल गई, एक लैकेसिस को भी इस्तेमाल किया जाता है अगर सेंसिटिविटी बहुत पाई जाती हो, यानी दुखन का एहसास भी पाया जाता हो, सोरनेस भी पाई जाती हो, बहुत ज़्यादा हसास हो पेशेंट, सेंसिटिव पेशेंट या सेंसिटिविटी पाई जाती हो, तो लैकेसिस को भी इस्तेमाल किया जाता है। और मेडिसिन कोलोसिंथ है जो मेरे जहन से निकल गई कि जब एब्डोमिनल कॉलिक पाया जाता है तो एब्डोमिनल कॉलिक की हमारी बेहतरीन दवाई जो है वो कोलोसिंथ है, आप कोलोसिंथ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जैसे जैसे सिम्टम्स आपके सामने आएंगे वैसे वैसे आप मेडिसिन की सिलेक्शन करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा लेक्चर आपको पसंद आएगा। हो सकता है कि मैं जब DTF में लेक्चर करूं तो मेरा लेक्चर मुझे थोड़ा मुख्तसर करना पड़े, लेकिन आपको मैंने डिटेल से बताया है, डिटेल से समझाया है, और कोशिश करूँगी, मेरी कोशिश है कि DTF में भी मेरा यही लेक्चर जाए। DTF में तो भी लेक्चर होना मेरा बाकी है, रिकॉर्डिंग मैंने पहले आज कर ली है, लेकिन जो शेयर है वो मैं आपको DTF के बाद ही करूँगी। शुक्रिया।